नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव। स्वागत है आपका 75 जिलों की 75 बड़ी खबरों में। डिप्टी सीएम केशव ने अखिलेश को बताया पराजय का धनी, एक और हार की अग्रिम बधाई दी। विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने दिया बेतुका बयान, गेटमैन को आने जाने वालों की क्लिक करनी होगी फोटो, उपाध्यक्ष की अनुमति के बाद ही हो सकेगी एंट्री। शाहजहांपुर में बड़े भाई ने लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, छोटे भाई की गोली मारकर की हत्या। ट्रेलर ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार दो युवकों की हुई मौत, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नवनिर्मित कानपुर एयरपोर्ट का हुआ उद्घाटन, 26 मई को उद्घाटन कर सकते हैं सीएम योगी। पत्रकार के परिवार पर हुआ जानलेवा हमला, पत्रकार के माता पिता को आई गंभीर चोटें, क्षेत्राधिकार ने दिया कड़ी कार्रवाई का आश्वासन। लोकसभा के सामने आत्मदाह का हुआ प्रयास, निगोहा से आए दंपत्ति ने किया आत्मदाह का प्रयास, हजरतगंज पुलिस की सक्रियता से बचाई गई दोनों की जान। राजस्व कर्मियों से तंग आकर किसान यूनियन ने किया धरना प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने कार्यवाही न होने पर बड़ा आंदोलन करने की कही बात, लेखपाल पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। गिलहरराज मंदिर में विशेष समुदाय को किया गया बैन, हिंदू महिला और पुरुष के लिए भी जारी किया गया ड्रेस कोड, छोटे कपड़े और कटी फटी जीन्स की गई बैन। खुदाई के दौरान निकला धातु से भरा मटका और सोने की ईंटें, खुदाई के दौरान मचा हड़कंप, सीसीटीवी में ईंट को ले जाते हुए युवक कैमरे में हुआ कैद। तेज रफ्तार का दिखा कहर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार तीन भाइयों की हुई मौत। शिक्षक सीएम की शिक्षा नीति को मुंह चिढ़ा रहे सहायक अध्यापक रविकांत, लगातार खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी नहीं आया कार्यशैली में सुधार। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे बिजनौर, जेल में बंद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान से की मुलाकात, बीजेपी पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने लगाया झूठा मुकदमा लगाने का आरोप। चंदौली में संदिग्ध परिस्थितियों में गुमटी में चली मिला ज्ञात का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले में सीओ समेत एडिशनल एसपी की पूछताछ जारी। शहीद आलोक राव को नम आंखों से दी गई विदाई, सीएम योगी ने ट्वीट कर शोक संवेदना की व्यक्त, शहीद के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक मदद का भी ऐलान। बसपा की समीक्षा बैठक, मायावती ने दिए निर्देश, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, अभियान गांव गांव चलाए। हरदोई में भाजपा बदमाशों के हौसले हुए बुलंद, पत्रकार के साथ की लूट और मारपीट, पुलिस अधिकारियों ने चार पत्रकारों के विरुद्ध मनगढ़ंत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ओवरलोड वाहनों पर कसा गया सिकंजा, कौशाम्बी में 73 ओवरलोड वाहनों को किया गया सीज, डीएमएसपी की कार्रवाई से अवैध खनन और परिवहन करने वालों में मचा हड़कंप। तेंदुए ने युवक पर किया हमला, पीलीभीत में युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, चीख पुकार सुनकर पड़ोस में काम कर रहे अन्य लोगों पे भी मौके पर पहुंचे। पीलीभीत में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, परिजनों का रो रोकर हुआ बुरा हाल, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
27 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी में भीषण गर्मी की संभावना। लखनऊ का अधिकतम पारा 41.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम पारा 25.2 डिग्री सेल्सियस। लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, नए चिड़ियाघर का भी होगा निर्माण। मुरादाबाद में प्लेटफॉर्म पर 2 घंटे पड़ी रही लाश, बच्चे समझे सोए हैं पिता, सुबह से दोनों मासूम, ना हंसे और ना ही रोए। विधान परिषद चुनाव में मुकाबले से तय होगी जीत हार। लखनऊ में भाजपा का पलड़ा भारी, दोनों सीटों के लिए अलग अलग सभी विधायक मतदान करेंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड में 3 शूटरों के खिलाफ एसआईटी ने जुटाए साक्ष्य, जल्द चार्जशीट की तैयारी, पिस्टल की ब्लैक सीट रिपोर्ट का इंतजार। माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने शिक्षकों को किया संबोधित, बोली तकनीक का बेहतर प्रयोग करें, इससे बच्चों का भी मार्ग प्रशस्त होगा। अग्निवीर मामले में राहुल राज को अग्रिम जमानत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी बड़ी बात, कहा मुझे फर्जी तरीके से अभियुक्त बनाया गया था। $2.40 लाख के जालसाजी के आरोप में ग्राहक सेवा केंद्र संचालक और साथी गिरफ्तार, भेजे गए जेल। माफिया अजीत का इनाम बढ़ाने की तैयारी, तलाश में गैर जनपद में टीम ने दी दबिश। आंधी से आम की फसल को हुआ भारी नुकसान, विद्युत आपूर्ति ठप, सहारनपुर में टीम की चपेट में आकर युवक की हुई मौत। यूपीपीसीएस 2022 का कट ऑफ जारी, पद घटे तो बढ़ गई एसडीएम की मेरिट, कट ऑफ 24 मई तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। प्यार में मिला धोखा तो जहरीला पदार्थ निगलकर सीएचसी पहुंची युवती, मचा हड़कंप, परिजनों ने युवती को घर से निकलना भी कर दिया था बंद। ई रिक्शा में बैठकर चुराई थी जेवर, 42 सीसीटीवी कैमरे को खंगाला गया, फिर संदेह के आधार पर दबोच ली गई असली चोरनी। प्रयागराज में गंगा नहाने गए बीटेक के 2 छात्र डूबे, एमएनएनआईटी के छात्र अलवर और मऊ के रहने वाले, पैर फिसलने से हुआ हादसा। नरेंद्रगिरी सुसाइड केस में ट्रायल शुरू होने के बाद अमरगिरी और पवन महाराज का कोर्ट में होगा पहला बयान, समन भेजने का आदेश। गाजियाबाद के डासना मंदिर में 3 संदिग्ध पकड़े गए, हिंदू लड़की की आईडी पर मुस्लिम लड़के लड़की ने ली एंट्री, पुलिस ने क्लीन चिट देकर छोड़ा। गगनयान मिशन के लिए आगरा में तैयार हुए पैराशूट, जुलाई में हो सकती है परीक्षण वाहन की पहली उड़ान, बेंगलुरु भेजा गया पैराशूट सिस्टम। तीस फीट गहरे कुएं से बच्चे के रेस्क्यू का, 3 रस्सियों के सहारे 20 मिनट बाद बाहर निकाला गया, शाबाश बहादुर बोलकर बढ़ाते रहे हौसला। लखनऊ में धूल भरी आंधी, 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, पूर्वी यूपी के 24 शहरों में भीषण गर्मी की संभावना, 8 दिनों तक मौसमी उलटफेर का अनुमान। रायबरेली में 9 साल के बच्चे की गला घोटकर की गई हत्या, 5 लाख फिरौती के लिए 15 साल के लड़के ने मारा, रस्सी से बांधे हाथ पैर, चेहरे पर डाला था नकाब। अलीगढ़ में गिलहर राज मंदिर में मुस्लिमों के प्रवेश पर रोक, हिंदुओं के लिए ड्रेस कोड जारी, मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने वालों को पूजा करने से रोक दिया जाएगा। राज्य हज समिति के चेयरमैन का बयान, हज यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं होगी।
प्रयागराज में माफिया ब्रदर अतीक असरफ हत्याकांड मामला, तीनों गिरफ्तार शूटरों का होगा नार्को टेस्ट। सपा ने उपचुनाव के उम्मीदवारों का किया ऐलान, दो उम्मीदवारों के नाम को किया घोषित। सपा की हार पर शिवपाल यादव का बयान, चुनावों में सरकार की तरफ से धांधलियां हुई हैं, गड़बड़ियां नहीं होती तो सपा नंबर वन पर होती। नगर निगम कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, कई दिनों से मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे नगर निगम कर्मचारी, कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। कच्छा बनियान गिरोह एक बार फिर सक्रिय, चोरों ने फैक्ट्री संचालक के घर में चोरी की घटना को दिया अंजाम, घर से 30 लाख की नकदी जेवर उड़ाए। धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, भीषण आग से धागा फैक्ट्री जलकर हुई खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी संचालकों की नो एंट्री, चिकित्सकों को बाहर से जांच और दवाएं ना लिखने के दिए गए निर्देश। विकास दुबे की राह पर जय वाजपेयी, अभिरक्षा में ठाट से चलता दिखा विकास का खंजाची, विकास दुबे का गुर्गा है जय वाजपेयी। सपा विधायक इरफान सोलंकी के मुकदमे में जल्द आ सकता है फैसला, मामले में बाकी चार गवाहों की होनी है गवाही। बेकाबू डंपर ने स्कूटी सवार दंपत्ति को मारी टक्कर, हादसे में स्कूटी चला रही महिला की मौत, पति घायल। लखनऊ में पुश्तैनी जमीन के लालच में बेटे ने की पिता की हत्या, छोटे बेटे की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज की थी शिकायत, सख्ती से पूछताछ के बाद बेटे ने बयां की पूरी दास्तान। भाजपा विधान परिषद के दोनों प्रत्याशियों ने किया नामांकन, पदम सेन चौधरी और मानवेंद्र सिंह ने एमएलसी पद के लिए किया नामांकन। बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ बीकेटी थाने में दी गई तहरीर, नवनिर्वाचित बीकेटी नगर पंचायत अध्यक्ष ने दी तहरीर, बीजेपी नेताओं के साथ फोटो लगाकर किया था वायरल। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह का बयान, कहा लोकसभा की तैयारियों को लगी हुई है बसपा, निकाय चुनाव में हमने बेहतर परफॉर्मेंस किया है। यातायात नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के दौड़ रहे वाहन। मजदूरी करने वाली महिला को दबंगों ने पीटा, पुलिस ने पीड़िता के आरोपों को गलत साबित कर झाड़ा पल्ला, महिला ने पिटाई के वक्त पुलिस के मौजूद रहने का लगाया था आरोप। शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, खाली पदों की भर्ती की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिक्षकों को चौराहे पर रोका। पुलिस की दबंगई आई सामने, पुलिस ने की युवक की जमकर पिटाई, युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। जमीनी विवाद में दो पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में कई लोग हुए घायल, दो महिलाओं को बलरामपुर अस्पताल किया गया रेफर। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह करेंगे बड़ी रैली, पहलवानों के साथ चल रहे विवाद के बीच करेंगे रैली, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग होंगे शामिल। तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी, टेम्पो पलटने से एक की मौत, चार लोग घायल, दायू निवासी बताए जा रहे हैं घायल। उन्नाव में
में फौजी पति बना पत्नी का कातिल, पति ने घरेलू विवाद में रिश्तों का किया कत्ल, हत्या कर पत्नी के शव को 7 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया। लोगों ने खेत गए युवक पर किया जानलेवा हमला, रंजिश के चलते लाठी डंडे से किया हमला, बीच बचाव करने पहुंचे 2 लोग भी हुए घायल। तीनों युवकों ने धर्मेंद्र नामक युवक पर किया हमला, धर्मेंद्र पर हमलावरों ने चाकू से किए कई वार, हमलावर धर्मेंद्र को मरणास्त्र अवस्था में छोड़कर हुए फरार। कुछ दिन पहले हेड कांस्टेबल के बेटे ने की थी आत्महत्या, मृतक के पिता ने उसके मित्र और परिजनों पर दर्ज करवाया था FIR। आत्महत्या के पहले बेटे और पड़ोस की युवती के बीच हुई थी चैटिंग। पुरानी घटना में अदालत ने दिया फैसला, 41 दिन के अंदर अदालत ने किया बड़ा फैसला, 20 साल की सजा के साथ लगाया जुर्माना। लेखपाल ने पैसे लेकर बदला नाम, भारतीय किसान यूनियन के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, SDM ने दिए जांच के आदेश। मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने, अधिवक्ताओं अधिकारियों समेत 15 पर मुकदमा दर्ज। तेज रफ्तार का दिखा कहर, ट्रक ने एक महिला को रोड क्रॉस करते समय कुचला, हादसा में महिला की हुई मौत। ट्रांसहिंडन पुलिस ने पाई सफलता, ट्रांसहिंडन की जनता ने भी लगाई मुहर, इलाके में चैन मोबाइल लूट की वारदात लगभग शून्य। तेज हवाओं से दिव्यांग महिला का गिरा छप्पर, सूची में नाम होने के बाद भी नहीं मिली छत, प्रधानमंत्री आवास योजना का नहीं मिला लाभ। पुलिस और चोरों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ के दौरान 2 चोरों के पैरों में लगी गोली, पुलिस ने 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में लगी आग, आग लगने से मचा हड़कंप, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पिछहत्तर जिलों की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।